नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है, इंडियन आर्मी में धर्म शिक्षकों की भर्ती आ चुकी है, रिलीजियस टीचर का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर रिक्रूटमेंट 2019 के सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सिलेबस है रिलीजियस टीचर का, धर्म शिक्षक का, और इसका जो पैटर्न है उसमें दो फेज होंगे। पहले फेज में होंगे आपके रिटन एग्जाम और दूसरे में होगा इंटरव्यू। जो रिटन एग्जाम है वो होगा 23 फरवरी 2020 को। इसमें पहला पेपर आएगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के पेपर में 50 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक प्रश्न आप करेंगे उसके आपको 2 अंक मिलेंगे और 40 अंक आपको कम से कम लाने होंगे पास होने के लिए। आपको प्रत्येक पार्ट में पास होना अनिवार्य होगा। वहीं नॉलेज ऑफ रिलीजियस डोमेन यानी आपके धर्म से संबंधित जो दूसरा पेपर आएगा उसमें आपके धर्म की जानकारी होगी। 50 प्रश्न इसमें होंगे, 100 अंकों का होगा, मिनिमम मार्क्स होंगे 40। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप कोई उत्तर गलत कर देते हैं तो आपके आधा अंक काट लिया जाएगा और सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू की बात करें तो ये 100 अंकों का होगा, इसमें आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर। जो पेपर फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको सिर्फ पास करना है। इसमें आपको सिर्फ 100 में से 40 नंबर लेके आने हैं जनरल नॉलेज के पेपर में। उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में आपको कम से कम 40 नंबर लाने होंगे, उसके बाद ही आपको आगे शामिल किया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी इंटरव्यू और पेपर 2 के मार्क्स के बेस पर। इंटरव्यू में आपको 100 में से 50 नंबर कम से कम लाने होंगे। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है यानी जनरल नॉलेज का, उसमें आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इसके अलावा कौन किस पद पर है इसके प्रश्न आएंगे, एब्रीविएशंस आएंगे, स्पोर्ट्स आएगा, अवार्ड्स आएंगे, पुरस्कार आएंगे, शब्दावली आएगी, भारतीय सेनाओं के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएगी, महाद्वीप उप महाद्वीप से भी प्रश्न आएंगे, इसके अलावा जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी खोज हुई हैं, भारत के संविधान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, पुस्तकें, उनके लेखक, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, साथ ही जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं भारत में और विश्व में उनको भी आपको बताना होगा, एंड करंट जीके के प्रश्न भी आएंगे, साथ ही करंट इंपोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स भी आएंगे और जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 जो होगा पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पादरी, भिक्षु के लिए, ये आपके धार्मिक कर्मकांड, आपके जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी आपके डिस्कोर्सेज हैं, हिंदुओं के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, बुद्ध के, और जो भी मोटिवेशनल कंसेप्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। और जो पेपर सेकंड है उसमें आपको जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो आपकी धार्मिक परंपराएं हैं, जो भी आपके कंसेप्ट है धर्म के, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और चूंकि आपने धर्म में, अपने धर्म में एक डिग्री प्राप्त कर रखी है, चाहे वो आचार्य की हो, शास्त्री की हो, या फिर मौलवी की हो, या फिर बौद्ध भिक्षु की हो, या फिर पादरी की हो, या फिर ग्रंथी की हो, इसलिए आपको उनकी जानकारी होना अनिवार्य है। उसी पर आधारित होगा आपका पेपर 2। और इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे, पेपर 2 की जो मेरिट होगी वो फाइनल मेरिट के लिए काउंट की जाएगी। इसलिए आप अपने धर्म ग्रंथों का और अपनी धार्मिक परंपराओं का अच्छे से अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें, क्योंकि ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 100 में से 40 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं पेपर फर्स्ट में, जीके वाले में, लेकिन जो पेपर 2 है उसमें थोड़ा टफ पड़ता है। जो भी धर्म ग्रंथों की तैयारी है आपकी वो अच्छे से कर लेना, और साथ ही आपकी धार्मिक जो अध्ययन की रुचि है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे आपके धर्म के संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आपके जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, डिस्कोर्सेस हैं, याद कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, मोटिवेशनल कंसेप्ट भी आपको क्लियर करने होंगे। साथियों, में उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।